हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी आटा टूटी फ्रूटी केक। तो चलिए देखते हैं ये टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ दही, 1/2 कप ऑफ ऑयल, 1/2 कप ऑफ टूटी फ्रूटी, 1 कप ऑफ शुगर, 1.5 कप ऑफ आटा। हमने यहाँ आटा लिया है क्योंकि हमें केक को हेल्दी बनाना है, इसलिए हमने मैदे के बदले इसमें आटा यूज़ किया। आप चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन है, या तो आप मैदा यूज़ कीजिए या तो आप आटा। आटा से केक हेल्दी बनेगा। हमने यहाँ लिया है 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और ये वनीला एसेंस है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डालिए। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल में हम शुगर, दही, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसे इसमें डालते हैं और मिलाते हैं। ये मैंने दही डाल दिया, मैंने दही इस कप से लिया है, ये 1 कप है और मैंने मेजरमेंट इसी कप से लिए हैं। तो चलिए हम इसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं, ये भी 1 कप ऑफ शुगर है, इसे भी हम इसे मिला देते हैं। इसके बाद बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अब हम इन सबको अच्छे से इस स्पैचुला के मदद से मिलाएंगे। ये देखिए हमने ये चारों इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं, इसमें कितने अच्छे एयर बबल्स आ रहे हैं। अब हमें इसको 5 मिनट्स के लिए थोड़ी देर रखना है। हम इसे 5 मिनट्स रखेंगे ताकि इसमें और अच्छे से एयर बबल्स आ जाए और ये इसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा हो जाए। और तो जब तक हम टूटी फ्रूटीज लेते हैं। अब हमें एक प्लेट लेना है, उसमें टूटी फ्रूटीज को डालना है। हम ये इसलिए कर बता रही हूँ मैं आपको कि मेनली क्या होता है, जब भी हम टूटी फ्रूटी या कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं केक में, तो वो बैटर में नीचे जम जाते हैं, तो वो नीचे ना जमे, अच्छे से मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम उसके लिए ये आपको एक टिप बता रही हूँ। ये हमने टूटी फ्रूटीज डाल लिए। अब हम इसमें ये जो हमने आटा लिया था, हम 1 टेबल स्पून ऑफ आटा इसमें स्प्रिंकल करेंगे, उसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो हम इसमें इसमें डालते हैं ताकि ये मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये टूटी फ्रूटीज नीचे ना बैठे। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए हमारी टूटी फ्रूटी कितनी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए अब हम इसमें ये वनीला एसेंस, मैंने 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस लिया है, ये मिला देंगे। और जो हमारा ऑयल है हम उसे भी इसमें मिला देंगे। ये ऑयल है हमारा 1/2 कप ऑफ, ये भी हम इसमें मिला देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हमने जो सॉल्ट लिया था 1/4 टेबल स्पून, वो भी हम इसे मिला देंगे। और सॉल्ट मिलाने के बाद ये काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, जो हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है ये एक्टिव हो जाएगा सॉल्ट डालने के बाद। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को भी हम धीरे धीरे, पूरा इकट्ठा नहीं डालेंगे, हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। तो चलिए अब हम मैदा डालते हैं। देखिए अब हमने ये मैदा लिया है, ये 1.5 कप मैदा है। अब हम इसे धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे, हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसे मिलाते जाएंगे। जैसे ये मैंने फर्स्ट पार्ट डाला इसमें, अब हम इसे धीरे धीरे विस्क की मदद से मिलाते जाएंगे। इसे आपको फेंटना नहीं है, बीट नहीं करना है, आप इसे नॉर्मली मिलाते जाइए। आप ये नॉर्मल हैंड विस्क की मदद से इसे विस्क कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, अब हम इसमें सेकेंड पार्ट डालेंगे। आपको ऐसे ही धीरे धीरे मिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। ये हमारा जो बचा हुआ मैदा, हम इसे भी पूरा इसमें डाल देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। ये थोड़ा गाढ़ा ही रहता है तो ये ज़्यादा अच्छे से बनता है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डालते हैं। तो चलिए इसमें हम टूटी फ्रूटी डालते हैं। ये देखिए हमने इसमें से टूटी फ्रूटी डाल दी, अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमारा मिक्सचर और टूटी फूटी सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे इसे कंटेनर में डालेंगे। मैंने ये केक टिन लिया है, एक्चुअली ये ब्रेड टिन है, आप चाहे तो नॉर्मल केक टिन में भी बना सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया और नीचे बटर पेपर लगाया, आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन बात, आपको ओवन ओवन को आपको पहले 5 to 10 मिनट्स प्री हीट करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे, ये ज़रूरी है, इसे करिए। उसके बाद हम इसे इसमें पोर करके उसे 50 मिनट्स के लिए ओवन में रख देंगे। मेरे ओवन में 50 टू 60 मिनट्स लगता है बेक होने में, आपके ओवन में जितना टाइम लगे आप उस हिसाब से उसे सेट कीजिए। तो चलिए हम इस मिक्सचर को इसमें पोर करते हैं और इसे ओवन में रखते हैं। देखिए हमें इसे ऐसे धीरे धीरे इसमें ऐसे डालना है ताकि ये इवनली अच्छे से पूरे इसमें स्प्रेड हो जाए। आपको इसे एकदम से नहीं डालिए, आप आराम से धीरे धीरे ऐसे करके डालिए ताकि ये अपने आप अच्छे से मिल जाए। तो अब हम इसे पूरा पोर कर देंगे। ये देखिए हमने इसे इसमें डाल लिया है। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से एक सा कर देंगे। ये ऐसे आपको इसे अच्छे से एक सा फ्लैट कर दीजिए ऊपर की सरफेस को इवनली, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर हम इसे ओवन में बेक करने के लिए 50 टू 60 मिनट्स के लिए रख देंगे। मैंने अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, मेरा ओवन प्री हीट हो गया होगा, अब मैं इसे बेक करने के लिए रखती। चलिए तो अब मैं इस बैटर को रखती हूँ अपने ओवन में और हम इसका वेट करेंगे जब तक ये बेक होता है। तो चलिए इसे रखते हैं ओवन में और 60 मिनट्स बेक होने के बाद इसे देखते हैं। देखिए हमारा केक बेक हो चुका है और मैंने ये एक्चुअल में ये हटा दिया है, इसके पीछे जो बटर पेपर लगाया था, और हमारा केक काफ़ी ठंडा भी हो गया इसलिए मैंने अब इसको हटा दिया है। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है हमारे केक। देखिए कितना अच्छा हमारे पीसेस बने हैं, आप ये देख सकते हैं कितना परफेक्टली बेक हुआ है हमारा केक, जैसा होना चाहिए एकदम रवादार, ये देख सकते हैं आप। और हमने यहाँ पीसेस किए हैं इसके, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बना है कि ये एकदम टूट रहा है। तो इसमें मैंने बहुत सावधानी से इसके पीसेस बनाए हैं क्योंकि ये आटा का है इसलिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसे मैदा का बनाएंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं ये मैंने इसे कट नहीं किया है, ये पीस कितना अच्छा है, ये देखिए एकदम रवादार और टूटे फूटे कितने अच्छे दिख रहे हैं, और ये परफेक्टली नीचे से ऊपर से परफेक्टली बेक हुआ है। तो ये हमारा टूटी फूटी केक तैयार है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगा है जब मैंने इसे खाया। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को और सभी को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।